सर, जैसा हमारा कल का प्रदर्शन रहा और आज जैसे क्यूज हमें मिल रहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, सर क्या करना है, कोई बदलाव ट्रेडिंग रणनीति में? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत मिले जुले हैं, कोई बदलाव जैसा ऐसा दिख नहीं रहा है। रेंज बाउंड मार्केट है, सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करेंगे। कल जैसा ही सेशन आपको शायद आज से देखने को मिले। वजह यह है कि देखिए एक और ग्लोबल संकेत मिले जुले, अमेरिकी बाजारों की चार दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स थोड़े से दबाव में है। बॉन्ड यील्ड्स आपकी बढ़कर आई हुई है। हमारे यहाँ के लोकल सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, कल हल्की सी गिरावट थमने के आसार दिखे हैं और थोड़ी सुस्ती आती दिखी है। डेटा अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में जितना एफआईआई ने बेचा है उतने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे भी हैं, तो यानी कि कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तेजी या मंदी की तरफ है नहीं। और मुझे लगता है कि इस लिहाज से बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर सकता है, नए ट्रिगर की तलाश में रहेगा कि आगे किस बात पर आपको एक्शन बनते हुए दिखना चाहिए। या तो कोई ग्लोबल संकेत आते हुए दिखे या फिर भारतीय बाजार एक्सपायरी का इंतजार करेंगे परसों के लिए लिहाज से। अब जहां तक आज के सेशन का सवाल है, निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव है नहीं, जो कल की थी वही है। और जाहिर सी बात है उसकी वजह भी यही कि कल आपने निफ्टी को एकदम फ्लैट बंद होते देखा, मुश्किल से आधा पॉइंट के फर्क के साथ में। तो 19,525 19,600 कल का सपोर्ट जोन है। कल 19,600 का ही लो बनाया था आपने, आज भी वही रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19,750 19,850 इस रेंज में आपको अपनी पोजिशन जहां भी आपको ठीक लगे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज जरूर थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई कल, क्योंकि कल बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास एक मजबूत क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो कल का जो लो है अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और वो है 44,400 से लेकर 44,550 44,400 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 44,950 से 45,075 की रेंज ऊपरी रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी में आपको हल्की फुल्की रुकावट आती दिखेगी और उसके पार निकले फिर 45,275 45,375 बैंक निफ्टी का आगे का बड़ा टारगेट बनता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर, और लेवल्स में सुस्त या हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो और पहले सपोर्ट रेंज के आसपास आए तो वहां पर आपको खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। जी डेफिनेटली सर, धन्यवाद दिशा देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो क्लियरली सर ने कहा है कोई भी कमजोर हल्की फुल्की सपोर्ट रेंज के पास मार्केट की शुरुआत होती दिखती है या वहां जाता है तो डेफिनेटली आप कुछ खरीदारी करें, बहुत भारी नहीं लेकिन हल्की फुल्की कर सकते हैं। निफ्टी 19,525 से 600 सहारा देने वाली बैंड है, अपर बैंड 19,850 तक स्ट्रेच होती दिख रही है। बैंक निफ्टी 44,400 से 550 सहारा यहां मिलता दिखेगा और इसका अपर बैंड 45,075 तक स्ट्रेच होगा, वो पार होने पर सर ने कहा है कि 45,275 से 375 का भी लेवल ये टेस्ट करता दिखाई दे सकता है।